मेयर पद की वोटिंग बाधित करने के बाद अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा। कहा बीजेपी और एलजी कर रहे असंवैधानिक कार्य। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि मनोनीत पार्षदों को महापौर चुनाव में मतदान करने देना असंवैधानिक था, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का भाजपा एंड सिविक सेंटर के साथ ताजा गतिरोध था, जहां बहस तेज हो गई थी। शारीरिक झटकों के आदान प्रदान में केजरीवाल ने प्रतिद्वंदी पार्टी पर तब हमला करना जारी रखा जब उनके आप सहयोगियों ने आरोप लगाया कि निर्वाचित पार्षदों, जो पारंपरिक रूप से मतदान नहीं कर सकते थे, को निर्वाचित सदस्यों से पहले शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने ट्वीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा, संविधान का अनुच्छेद 243 आर स्पष्ट रूप से नामित सदस्यों को सदन में मतदान करने से रोकता है। उन्हें सदन में मतदान कराने का प्रयास असंवैधानिक है। उन्होंने पोस्ट में लेख का एक अंश भी साझा किया। इससे पहले उनके डिप्टी मनीष चौधरी ने भी ट्वीट किया था, आपने एमसीडी में जो किया उसे छिपाने के लिए आप और कितना नीचे गिरेंगे। बीजेपी के सदस्य, पार्षदों का अवैध नामांकन और निर्वाचित पार्षदों को शपथ नहीं लेने देना, अगर आप लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव क्यों कराए। सिसोदिया ने हिंदी में लिखा, आपने पिछले महीने दिल्ली नगर निगम एमसीडी के चुनाव में शानदार जीत के साथ राष्ट्रीय राजधानी में नगर निकाय में भाजपा के 15 साल के लंबे शासन को समाप्त कर दिया था। पिछले साल 3 निकायों के विलय के बाद पहली बार नए मेयर के लिए शुक्रवार को मतदान होना था, लेकिन सत्र शुरू होने के कुछ ही समय बाद सदन में अव्यवस्था देखने को मिली। पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा के बाद हंगामा शुरू हो गया। मुकेश गोयल की आपकी सिफारिश पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त निर्वाचित सदस्यों, जो मतदान कर सकते हैं, से पहले शपथ लेने के लिए नामित पार्षदों या एल्डरमैन, जो परंपरागत रूप से वोट नहीं दे सकते, को आमंत्रित किया। एलजी महापौर मतदान के लिए नई तारीखों की घोषणा करेंगे। शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आपके उम्मीदवार हैं। वहीं रेखा गुप्ता और कमल बागदी दो संबंधित पदों के लिए भाजपा के उम्मीदवार हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।